नमस्कार, मैं एकता, आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। एक बड़ी खबर हमारे सामने आ रही, नजर डालते हैं इस ब्रेकिंग न्यूज पे। ठंड की ठुठरन से आराम कौन नहीं चाहता, जहां काम खत्म करने के बाद लोग अपने घरों के हीटर, ब्लोअर और कोयले की आग से ठंड को दूर भगाते हैं, तो वहीं दुनिया में एक और खुली आसमान के छत के घर में लोग रहते हैं, जिन पर ना ही शासन ध्यान देता है और ना ही प्रशासन। जहां इतनी ठंड में लोगों को रजाई से निकलने का मन नहीं होता, तो वहीं इतनी ठंड में खुले आसमान के नीचे रह रहे लोगों पर लोगों का ध्यान भी नहीं जाता। जहां सरकार की योजनाएं हर जरूरतमंद तक नहीं पहुंचती, वैसे ही इस कड़कड़ाती ठंड में रैन बसेरों की भी सुविधा ना पहुँच सकी। ठंड से लोगों की जान भी चली गई। नव वर्ष के शुभ अवसर पर यूनाइटेड अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार ट्रस्ट ने ठंड से गरीबों को राहत देने का काम किया, जिसमें सैकड़ों लोगों को गर्म कंबल बांटा। कंबल मिलते ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान की लहर दौड़ गई। हंगामा टाइम्स ब्यूरो। राजधानी में जहां नववर्ष का शुभारंभ हो चुका है, तो वहीं आज यूनाइटेड अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार ट्रस्ट आज राजधानी में गरीब लोगों को कंबल वितरण कर नया वर्ष का स्वागत करा जा रहा है। इसकी अध्यक्ष मधु यादव हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर नववर्ष का स्वागत किस तरह से कर रही हैं और गरीब लोगों को जिस तरह से आज कंबल वितरण किया इनके संगठन के लोगों ने और कई सामाजिक लोगों ने, मतलब क्या कहेंगी आज जिस तरह से नववर्ष पर स्वागत आपने गरीब लोगों को कंबल देकर किया? जी, सारे राष्ट्र को पहले नववर्ष की बधाई, उसके बाद गरीबों को जो कंबल वितरण हो रहा है, ये आराधना कुमारी हमारी नेशनल सेक्रेटरी हैं, इनकी तरफ से कंबल वितरण किया जा रहा है सारे गरीबों को। जितने भी ये जगह जगह सो रहे हैं, सब गरीबों को मतलब कंबल वितरण किया जा रहा है संगठन की तरफ से। और मैं यही कहूँगी कि कोई भी मजरूम ना रहे, सब लोग अपना वर्क करें, आगे बढ़ें, और जो गरीब हैं इनकी भी हम लोग कुछ ना कुछ मदद करते रहें अपने संगठन के द्वारा। तो मैडम क्या कहेंगे, जिस तरह से आपका संगठन राजधानी में काम कर रहा है और नववर्ष पर अपने पदाधिकारियों के लिए कोई संदेश? जी, हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं वो सारे दिन समस्याओं को निस्तारण कराते हैं, और जितनी भी दबी कुचली महिलाएं मेरे पास आती हैं, सारे पदाधिकारी लगे रहते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारी नेशनल सेक्रेटरी, हमारी जो सचिव साहिबाएँ, हमारी जिला उपाध्यक्ष, जिला सचिव, जिला महासचिव, हमारे मीडिया प्रभारी, इन लोगों ने परसों बहुत वर्क किया है पूरे संगठन के लिए। सब लोग नए साल पे लगे रहे हैं। कंबल बांटा आप लोगों ने, गरीब जिनको कंबल दिया उन लोगों ने क्या कहा आप लोगों से? दुआएं दी होंगी, हम लोगों को कुछ कहा तो नहीं है, लेकिन दुआएं दी होंगी। आराधना जी बताइए क्या कहेंगे? कुछ नहीं, मुझे दुआएं भी नहीं, बस उनकी खुशी चाहिए कि इतने गरीब आदमी बिना कंबल के लेटे हुए हैं। और प्रशासन से एक रिक्वेस्ट है कि जो कंबल हम बांटते हैं, एनीथिंग और कोई बांटता है, कुछ गुंडे लोफड़ आ करके उनसे छीनते भी हैं और मारते भी हैं, और इसलिए प्रशासन को चाहिए कि रात को अच्छी से गश्त करें और जो गरीब तबके के लोग हैं उनको ज़्यादा ध्यान दें। और जो हम लोगों से हमारे मधु दीदी के जो भी हमारे मानव अधिकार की तरफ से बन पड़ेगा, हम लोग हमेशा आजीवन खड़े रहेंगे और करते रहेंगे। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिप्रा खन्ना है, मुबा। मैं सचिव हूँ। मैं यही कहूँगी, पहले तो उनको मैं बोलूँगी, धन्यवाद करूँगी सबका अपने। अभी और लोगों से भी मिलाएंगे आपको और बात करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष हैं जो कि संगठन के हैं, और राजधानी के हनुमान सेतु पर गरीब लोगों में कंबल वितरण का इनका कार्यक्रम है, जहाँ ये संस्था लगातार महिलाओं के हित की लड़ाई लड़ती है। क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? पहले तो मैं सर्वप्रथम प्रदेशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और जो ये कंबल वितरण का कार्यक्रम है जो हमारे संगठन ने किया है, जो भी संगठन या जो भी लोग सक्षम है इन गरीबों के लिए इस तरह के कार्यक्रम करेंगे, तो देश में
बहुत सा काम आसान हो जाएगा। और जैसा कि अभी एक इस कंबल वाले ने इसको कंबल उड़ाया, इसकी चोट भी लगी है, इसको किसी ने कल रात में कंबल दिया था, सुनने में ये बता रहा है कि मुझसे कंबल छीन लिया गया और उसके चोट भी लगी हुई है, ये ठीक है, काफ़ी चोट इसके शरीर में भी लगी, ये बता रहा है कि मुझसे कंबल छीन के मुझे सिर्फ चादर दे दिया गया, मारा जाता है। प्रशासन को यहाँ पे सख्ती करनी चाहिए, यहाँ पे गश्त करानी चाहिए कि गरीब बेचारे भगवान के दरबार में आते हैं अब कि यहाँ पे कुछ भला होगा, और वहाँ पे भी वही काम हो रहा है जो बहुत समाज में बहुत ही गलत काम है। जो लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम तत्काल करेंगे, आज शाम को हम हजरतगंज थाने में इसकी FIR लिखाएंगे कि यहाँ पे इस तरह की घटना हो रही है और उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। बेटा क्या कहोगे जिस तरह से आज तुम्हें कंबल दिया गया और तुम्हारी सुध लेने लोग आए, उनके बारे में क्या कहोगे? हम यही करेंगे बाबू जी, हमरे वत का मारे हमका छीन ले, हम जो डरके बाबू जी आ तो वो हमारे लोग के छीन लेने बाबू जी, यहाँ डर कर मारे बाबू जी हमका लोग का दईके गया डर कर मारे। तो जैसा कि आज राजधानी में यूनाइटेड अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार की तरफ से कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया, तो जहाँ एक बड़ी समस्या भी उजागर हुई कि किस तरह से जो लोग गरीब तबके के लोग जो यहाँ पर फुटपाथ पे रहते हैं जिनको कंबल वितरण आज इस संस्था ने किया, तो वहीं उनकी दुर्दशा भी है। क्या हुआ आपके साथ? हमको धन बसेरा वाला मारे भैया, ये परिवर्तन चौक वाला बहुत, हाँ परिवर्तन चौक बहुत क्यों का यही लिए कमर घिना रहे सर जबरदस्ती, हाँ छीन लिया सर, बुरे बुरिया छीन ले गया सर, रहने नहीं देते हैं। इसकी शिकायत किसी से की, कोई आया? कोई भी नहीं आया, कोई भी पुलिस नहीं आई। क्या चाहते हो? हम कुछ नहीं चाहते, चाहते हैं यही क्या वो ये फुटपाथ पर लेटने वाला पुलिस आई कैसे लेके जाती है, उठा ले जाती है कि धन बसेरा में लेटो, धन बसेरा में जाओ तो कोनो मरने जाए तो रुका करो। तो जहां राजधानी DM से ये दिखाया जा रहा है कि रैन बसेरों की हालत बहुत अच्छी है, तो वहीं पर आपने देखा कि किस तरह से हनुमान सेतु के पास रैन बसेरा में शरण लेने जाने वालों के साथ दुर्दशा है, वहां रैन बसेरा में इनको मारा पीटा जाता है। जहां पर इन्होंने बताया कि डाली बाग स्थित रैन बसेरा में दुर्दशा है, परिवर्तन चौक रैन बसेरा में ये गए थे जहाँ पर इनको मारा पीटा गया। क्षेत्रीय थाने की पुलिस से भी शिकायत करने पर मौके पर पुलिस भी आई। अब देखना यह है कि किस तरह से गरीबों के लिए न्याय मिलता है। यूनाइटेड मानव अधिकार ट्रस्ट की तरफ से राजधानी के हनुमान सेतु में नववर्ष का स्वागत गरीब लोगों में कंबल वितरण कर किया जा रहा है, जहां इनके अध्यक्ष मधु यादव से हमने बात की। अभी हम बात करेंगे रंभा जी से कि क्या कहेंगी आज इस कार्यक्रम के बारे में, जिस तरह से आज गरीबों की दुर्दशा राजधानी में है, तो कहीं ना कहीं उस बात को भी उठाने का और मौके पर ही पुलिस प्रशासन को भी इस संगठन ने बुलाया और अवगत कराया, तो वहीं पुलिस ने भी इस मामले को संज्ञान ले रैन बसेरे के ऊपर कार्रवाई करने की बात कही। रंभा जी क्या कहेंगे? हाँ बताइए कार्यक्रम के बारे में। आज का कार्यक्रम तो भाई लेके हम चलते हैं कि नहीं, इस ठंडी में, इस कड़ाके की ठंडी में हम गरीब से गरीब बच्चों, अरे गरीब से गरीब लोगों के पास हमारा कंबल पहुंचे, हमारा किसी भी तरह की उन्हें तकलीफ ना हो। हालांकि सरकार भी ठोस कदम उठा रही है, लेकिन कभी ना कभी देखने में आता है कि गरीब कहीं ना कहीं पीड़ित होते हैं, या तो कोई उनका ऐसे आका है कि हम लोग कंबल वितरण करते हैं उसके बाद उठा कर ले जाया जाता है, उनसे मार कर छीन लिया जाता है। फिर भी मैं कहूंगी कि एक तरफ विश्वास का, गरीबों की तरफ से भी हनन होता है कि जैसे हम लोग बड़ी श्रद्धा के साथ आए हैं कि गरीबों का साथ दें, लेकिन इन गरीबों को हम देखते हैं कि एक ही व्यक्ति 3 बार आकर लेता है कंबल, 2 बार आकर कंबल लेता है, तो एक तरह से एक विश्वास का हनन है। फिर आगे सोच में आता है कि आदमी गरीबों को किस तरह से मदद करे। जैसे अभी अभी हम लोग ने देखा वो रो रहा है, लेकिन उसके पीछे मैं देख रहा हूँ कि एक कंबल ऑलरेडी पड़ा है, उसके पास सब कुछ पड़ा हुआ है। वो कह रहे हैं कि हम नगर निगम कह रहे कि नहीं हम लोग ले जा रहे हैं वहाँ पे, और वो कह रहा है कि नहीं मुझे मारा गया। इसमें कोई दो राय नहीं कि मैं एक साल और पहले भी मैं कर चुकी हूँ इस बात को कि कोई ना कोई इनके ऊपर रहता है जो इन लोग को मारता पीटता है या फिर जबरदस्ती ले लेता है, लेकिन अभी जब उसे रैन बसेरा में ले जाया जा रहा है तो एक प्रश्न उठता है कि आखिर तुम क्यों नहीं जा रहे हो वहाँ पे। रैन बसेरा वाला बता रहा था कि मैं रैन बसेरा, रैन बसेरा कह रहा है कि आप चल के मेरे से बताओ कि किसने मारा, वो उस पर भी तैयार नहीं है। तो एक थोड़ा सोचनीय प्रश्न हो जाता है यहाँ पर कि आखिर क्या किया जाए, क्योंकि एक तरफ तो हम लोग बाढ़ के देख ही रहे, अभी इसी लाइन में हम लोग देखे कि एक व्यक्ति 3 बार आकर कंबल ले गया, तीसरी बार लगा है तब मैं और शिप्राल उसे हटा रहे हैं कि हटो भाई अब लोग देख चुके हैं, 2 बार ले जाए तीसरी बार लाइन में लग गया,
और देखिए चेहरा पहचान में है, तो ऐसे में थोड़ा सा विश्वास डगमगाता है कि आदमी किस तरह से मदद करे, कैसे आगे बढ़े। तो मधु जी बताइए, जिस तरह से भी आपने देखा कि गरीबों की दुर्दशा है और राजधानी में रैन बसेरों को संरक्षण दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार डीएम उनकी मदद करने में लगी, तो क्या इस तरह के रैन बसेरों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए जो गलत तरह से? जी बिल्कुल, जो मारपीट हो रही है रैन बसेरों में उस पर नगर आयुक्त को लिख के देंगे हम लोग अपने संगठन की तरफ से, क्योंकि अभी जो भिखारी लेटा हुआ था किस कदर उसकी मार लगाई गई थी वो तो आपने निशान देखे ही अपने वीडियो में, तो उस पर हम लोग नगर आयुक्त को लिखित देंगे, डीएम साहब को भी लिखित देंगे, हम लोग मतलब कल ही उस पर कदम उठाते हैं कुछ ना कुछ। तो ये थे संगठन के लोग, जैसा कि यूनाइटेड अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार ट्रस्ट और राजधानी के हनुमान सेतु पर नववर्ष का स्वागत कर रहा है और जिस तरह से उन्होंने गरीबों को इस कड़ाके की ठंडी में कंबल बांटा, तो वहीं इस संस्था को काफी दुआएं भी मिली। वीडियो मोहित के साथ मैं विक्रम, आपसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।